हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और जैसा कि आप सबको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड आज की क्लास में हम कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ने किसी को भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? एज यू ऑल नो, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो वीक वाले को भगा देगा, वीक वाले को उसकी जगह से हटा देगा। रियलिटी में भी तो ऐसा ही होता है ना, जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो वीक वाले को क्या करता है, उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाता है, ऐसा ही होता है। चलिए सो हेडिंग क्या है आज का, फटाफट से आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन लिखो, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस और रिप्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। व्हेन अ मोर रिएक्टिव, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस और रिप्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, ए बी कोई एक कंपाउंड है प्लस सी कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। मान लो ए इज अ मेटल एंड सी इज अ मेटल, बी क्या है, ये इसका सॉल्ट है, इसके साथ अटैच है, क्लियर, और वी कैन से नॉन मेटल। अब होगा क्या कि अगर सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है किसके कंपैरिजन में, ए की कंपैरिजन में, तो सी ए को उसकी जगह से हटा के बी के साथ खुद अपना बॉन्ड बना लेगा एंड द न्यू प्रोडक्ट इज, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ए बेचारा अलग हो जाएगा और यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी और बी का अब यहाँ पे एक मेटालिक सॉल्ट बनता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन ये कब होगा, ये तभी हो पाएगा जब सी ज़्यादा स्ट्रांग है ए से, लेकिन अगर ए ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो सी उसको चाह के भी नहीं हटा पाएगा। एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, जिंक प्लस H2SO4, राइट, जिंक प्लस यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। होगा क्या कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अभी ये बात मैंने आपको बताई, आपको नहीं पता है, कैसे पता चलेगा वो भी थोड़ी सी देर में हम जानेंगे, क्लियर। यहाँ पे क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो जिंक विल डिस्प्लेस और रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स पोजिशन, राइट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ZnSO4 प्लस H2, क्लियर, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। अगर ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ठीक है, अगर ये कम रिएक्टिव होता तो इसको हटा नहीं पाता। अब बार बार क्वेश्चन यही आ रहा है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर जिसको हम एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे है आपके पास पूरा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज से हम कैसे पहचानेंगे, सो जो टॉप पे एलिमेंट लिखा हुआ है ना, वो
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, और इस पूरे में जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कौन से हैं, पोटाशियम सोडियम ये सारे के सारे, एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, गोल्ड प्लेटिनम। तो एक बार इन सारे एलिमेंट्स को हम रीड करते हैं प्लस इनके निमोनिक्स में जानेंगे, कैसे इनको लर्न करना है। ट्रिक्स बोल लो निमोनिक्स बोल लो आपकी मर्जी है, क्लियर। तो देखो सबसे पहला है पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक, हाईली रिएक्टिव, फिर धीरे 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 आते 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 क्या हो रहा है, मॉडरेट रिएक्टिव, और फिर यहाँ से ये लीस्ट रिएक्टिव होते चले जा रहे हैं, क्लियर। अब इनका ट्रिक क्या है, तो देखो प्लीज़ पोटाशियम से है प्लीज़, सोडियम स्टॉप, कैल्शियम कॉलिंग, मैग्नीशियम मी, एल्यूमिनियम अ, कार्बन केयरलेस, जिंक जेब्रा, आयरन इंस्टेड, टिन ट्राई, लेड लर्निंग, हाइड्रोजन हाउ, कॉपर का कॉपर ही है, सिल्वर का सेव, गोल्ड का गोल्ड, प्लेटिनम का प्लेटिनम। अब लर्न कैसे करेंगे, देखो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, क्या कह रही है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इस तरीके से अगर आप लर्न करोगे निमोनिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू, तो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्या था, Zn प्लस H2SO4, तो अब इसके थ्रू हम बता पाएंगे कि क्या Zn H को हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा। तो देखो पहले क्या आ रहा है, जिंक कहाँ है, यहाँ है जिंक, एंड हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। तो जिंक की रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स जिंक कैन रिप्लेस हाइड्रोजन बट हाइड्रोजन कैन नॉट रिप्लेस जिंक। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे है Cu प्लस AgNO3, यहाँ पे क्या है Cu प्लस AgNO3, एंड क्वेश्चन क्या है, अब क्या कॉपर सिल्वर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से देखो कॉपर पहले आ रहा है कि सिल्वर पहले आ रहा है, यहाँ यहाँ दिख रहा है कॉपर ये है सिल्वर ये, दैट मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर बेचारा क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।